नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे थे। बच्चे बार बार हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे, कमेंट करके कि सर काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, सर ये बताइए, सर वो बताइए। तो हमने सोचा हम तो आपको इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं, क्यों ना कोई वहाँ का छात्र आपको जो वहाँ पढ़ रहा हो, जिसने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से अभी हाल ही में गुजरा हो, वो अगर दे तो कैसा आपको लगेगा और वो ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी आपको बता पाएगा। तो हमारे छात्र भी हैं, हमारे जूनियर हैं हर्षित, 2020 में हमसे पढ़े थे ये, और फिलहाल ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं बीए कोर्स में। सेकंड ईयर है इनका और वहीं पे इन्होंने एक साल अभी पढ़ाई की है, तो इनको ऑन ग्राउंड रियलिटी सारी चीज़ों का पता है। काउंसलिंग प्रोसेस को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, तो इनको काउंसलिंग प्रोसेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा आइडिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्वे करेंगे, इनको हमने बुलाया ताकि ये आके जूनियर्स को गाइड करें। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, कल को आप कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो आप हमारे साथ आगे आके जुड़िए ताकि आने वाले बच्चों को उसकी मदद मिल सके, ठीक है। ताकि आपको जो दिक्कतें हुई हैं अगर उसको आपने गेन कर लिया उस चीज़ को, तो आने वाला जो बच्चा है कहीं गांव में बैठा हुआ है, कहीं भी है, जिस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, अगर उसके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है तो उस तक आप एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो आप सभी के लिए मेरा संदेश भी है और आपसे मैं गुजारिश भी करूंगा कि जब आप किसी भी इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज में जाएं तो एक बार जरूर आए हमारे साथ और उन बच्चों को उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का प्रो और कॉन्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताएं, ठीक है। तो अब हर्षित से मैं बोलूंगा कि आप पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर को देखो। हर्षित ने क्या हुआ था कि ये चूंकि ये इलाहाबाद को लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसर्न थे, क्योंकि इनका भी अभी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, जो आप सिविल सर्विसेज वगैरह पे बात करते हैं उस पर भी ये बात करेंगे। तो इन्होंने पूरी प्रक्रिया को, जैसे बीएससी का हो, ये भले बीए के छात्र हैं, बीएससी के भी हर कट ऑफ को, हर काउंसलिंग को इन्होंने देखा, जाके बीकॉम को भी देखा, ये सारी चीजों को इन्होंने देखा है। इन्होंने खुद हमसे बताया इनसे बात हो रही थी तो कि सर हमारा बीए का तो लास्ट में हुआ था काउंसलिंग, लेकिन शुरू में आते गया नोटिफिकेशन में सारा देखता था बीएससी का बीकॉम का, तो मुझे सारी चीजों का पता था। तो आप पूरा एक ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसीजर आपको बताएंगे कि क्या किस कोर्स में, मतलब बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सारी चीजों का, फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, क्या वहां जाके क्या करना होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद जो कट ऑफ आई हुई है सारे कोर्सेज के आगे, जो यूजी के, बीए, बीकॉम, बीएससी के, मैथ बायो के, तो कट ऑफ भी आपको बताएंगे और कट ऑफ को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था जो कि मतलब ये डेट को ये जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है ये भी उसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हर्षित से मैं बोलूंगा कि आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें और बच्चों को गाइड करें, ठीक है। आप सभी का आज मैं यहाँ पे आपके सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने आया हूँ, जो कि भैया बता रहे थे अभी इन्होंने कि मैं वहीं से पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पे बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैंने बीएससी बीकॉम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे के जाऊँगा। इसके अलावा और भी सब क्यूरीज होते हैं हॉस्टल से रिलेटेड, बाकी जो कट ऑफ्स हैं कि कितनी कट ऑफ्स आएंगी, क्या कट ऑफ्स में कितना वेरियंस हो सकता है, कितना अंतर हो सकता है सभी चीज़ों में, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। इसके अलावा देखिए, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आया हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो मेन कैंपस और अफिलिएटेड में क्या, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या अंतर है, कितना अंतर होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है, बाकी जो हॉस्टल की कट ऑफ है तो हॉस्टल की कट ऑफ है, बाकी अगर हॉस्टल जिसको नहीं मिलता है वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूज है, ऐसे तो बहुत लोग जानते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते। जैसे मैं गया था तो मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट वहाँ नहीं जानता था, वो क्या था कि वहीं पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में ही पढ़ाए जाते हैं कि वो, और बाकी जगहों वो सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्यूरीज है, जो भी छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं या फिर क्या है, उसको सब हम लोग इस प्रोसेस में डील करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बना लिया कि क्या क्या कौन जो जनरल जो क्या क्या डाउट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, जो सबसे पहला डाउट है कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि चूंकि पिछली बार जो थी, जो पिछले साल थी, तो 2020 में उस टाइम सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी अलग थी, आपको पता है कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, तो उस बार उस टाइम जो काउंसलिंग थी वो जो थी वो ऑनलाइन हुई थी, उस टाइम ऑनलाइन हुई थी। लेकिन इससे पहले जो भी काउंसलिंग्स हुई हैं, चाहे वो उसके प्रीवियस ईयर में जितनी भी काउंसलिंग हुई, सारी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है। तो इस बार भी जो काउंसलिंग हुई ऑफलाइन होगा, यानी 2021 का जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन ही होने वाला है। 2021 का काउंसलिंग जो होने वाला है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, इस बात को बिल्कुल याद रखिए। बाकी क्या क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहली बात, काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, आपको इलाहाबाद या प्रयागराज जो कहें वहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाकर काउंसलिंग करानी होगी।
अब देखिए दूसरी बात है काउंसलिंग डे पे क्या करना है, मतलब काउंसलिंग डे पे क्या करना है, कहाँ क्या कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए काउंसलिंग डे पे क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले आपको जब क्या क्या ले जाना हम आपको बताएंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, आप जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके अलावा उसके हिसाब से आप जो रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जहाँ जाना है वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, वो हम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब बताएंगे तो हम आपको वो बता देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लेके जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है आपको, कि एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स जो नोटिफिकेशन आया उनका उसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए वो आप लेके जाएं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो हम डॉक्यूमेंट्स पे सीधे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है। देखिए तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो एडमिट कार्ड है, मतलब एडमिट कार्ड आपको क्या, जो एडमिट कार्ड आपका जो आया हुआ है, जो मतलब जो आपने एग्जाम के टाइम जो एडमिट कार्ड था वो आपको सबसे पहला काम है वो एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड क्या है, स्कोर कार्ड जो रिजल्ट है आपका, जो आपने रिजल्ट दिया उसी का आप सीधे प्रिंट करा के लेते जाएंगे। तो स्कोर कार्ड मतलब आपको आपको अपना रिजल्ट ले जाना है। एक बात आप देखिए, इन दोनों में से यदि कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है, आप कोई हो सकता है किसी का एडमिट कार्ड खो गया होगा या किसी का जो भी हो, तो आप इन दोनों को अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो AU प्रवेश 2021 की वेबसाइट है वहाँ जाके आप सिंपल जो आपका यूजर पासवर्ड है उसे लॉग इन करिए, आपको सब कुछ अभी भी मिल जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा आपको मार्कशीट ले जानी है 10th हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक ओरिजिनल ले जाइए और एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो एक ही होता है, तो एक ओरिजिनल ले जाइए एक फोटोकॉपी, एक ले जाना है फोटोकॉपी एक ओरिजिनल। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम फोटोकॉपी मिनिमम कम से कम तीन रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सब सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कम से कम तीन रखें, ताकि आपको दौड़ना ना पड़े, क्योंकि वो क्या होता है कभी कि वो बहुत दौड़ाने भी लगते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको तीन तीन फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ले जाना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि वहाँ वो ले लेंगे, अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग वगैरह देके काम चला सकते हैं। इसके बाद जो रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट है, रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट में क्या ले जाना है, एक बात इसमें याद रखनी है, जो भी होगा OBC SC ST जो भी हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं उस OBC SC या ST से, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ले जाएंगे, जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है। इसमें दो चीज़ होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ले जाइए, अभी टाइम है, अभी आप बनवा भी सकते हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ले जाइए। इसके बाद PWS, देखिए अगेन लिखा है ओरिजिनल एंड वन फोटोकॉपी, पर मैं आपको कहूँगा कि कम से कम तीन मिनिमम फोटोकॉपी ले जाइए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो जिसके चलते। इसके बाद लिखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का, तो EWS में क्या है कि इसमें जो होता है वो एक ही पैटर्न पे आता है, इसमें आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा मतलब कहते हैं जो डिफरेंस नहीं है, तो उसमें आपको एक ही ले जाना है EWS का। तो उसमें ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ तीन फोटोकॉपी आप रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो फोटो दिया है, इसमें दो दिया है आप तीन रखें। उसके बाद आधार कार्ड दिया है, इसमें भी ओरिजिनल और एक एक फोटोकॉपी है, ये भी आप कम से कम तीन रखें। इसके बाद क्या दिया कि फीस जो है वो फीस आपको दिया है, कैश आप दे सकते हैं, स्वाइप मशीन से दे सकते हैं या QR स्कैन कोड से दे सकते हैं, तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से आप जिससे देना चाहें वो दे सकते हैं। और सबसे पहली बात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे कहाँ, आप जाएंगे प्रवेश भवन, देखिए आपको एड्रेस लिखा है चैतन्य यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, ये जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है AU की, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है वहाँ से थोड़ी दूरी पड़ता है, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 12:30 तक है, 9:30 सुबह से लेकर 12:30 दोपहर तक है। आपको इसी टाइम में रिपोर्ट करना है, जो काउंसलिंग है वो 2:00 से शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग वो 2:00 से शुरू हो जाएगी, और जो भी आपका कट ऑफ होगा जिस दिन आपको होगा उस दिन आपको जाना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने होंगे। तो अब हम सीधे आते हैं कट ऑफ पे, क्या कट ऑफ है क्या है, क्योंकि आपने काउंसलिंग वाले में हमने आपको बेसिकली बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने नोटिस निकाले हुए हैं आप नोटिस खुद से देख सकते हैं जो उनकी वेबसाइट है उस पर, तो यही आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। बाकी हाँ, जो फोटोकॉपी में वन फोटोकॉपी दिया उसको आप तीन तीन फोटोकॉपी ले जाए ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े वहाँ पे। सबसे पहले जो है वो BA कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि BA जो है वो सबसे ज्यादा सीटें भी BA में ही है, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा सीटें BA में, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA में है,
और जो बी ए वो काफी लोग जो कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के लिए जो मतलब एक प्रेफर करते हैं बी ए कोर्स को, तो उसमें सीट भी सबसे ज्यादा है। आप याद रखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जो आती है वो बी ए कोर्स की आती है। तो जो अभी कट ऑफ आई है, इस साल की जो कट ऑफ आई है उससे हम आपको बताते हैं कि क्या अभी क्या कैसे एडमिशन होगा और कैसे क्या मतलब क्या आगे आने वाले कट ऑफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने जो नोटिस निकाले हुए डेट लिखा हुआ है कि 28 नवंबर 2021, मतलब 28 नवंबर 2021 को इस दिन की जो कट ऑफ है, ये नीचे इस टेबल में लिखा हुआ है कि क्या है इस दिन की जो कट ऑफ है। देखिए ऑल कैटेगरी के वो है 210 नंबर या उससे ज्यादा भी, 210 नंबर या उससे ज्यादा भी जिसका रहेगा वो जाएंगे एस टी में। सभी एस टी जो है वो ऑल है, एस टी में जिन्होंने एग्जाम में अपियर हुए हैं, जो एग्जाम ने जिन्होंने दिया है उनके लिए पूरा एस टी का जो है वो जा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखिए जो बी ए कट ऑफ है इसमें 210 नंबर पे। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी हाई कैसे हो गई। देखिए क्योंकि पिछले बार की जो कट ऑफ थी वो पहली कट ऑफ थी 186 पे जी, क्योंकि मेरे पास डेटा भी है। तो पिछले बार की जो कट ऑफ थी वो पहली कट ऑफ जो थी 186 पे, इस बार जो पहली कट ऑफ है वो 210 पे है। देखिए और ये छोटा मोटा, देखिए छोटा मोटा वेरिएंस तो होता रहता है हर साल, पर ये देखिए ये एक बड़ा वेरिएंस है। और क्यों कट ऑफ इतनी अधिक हो गई है इस बार बीए के, हम आपको इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि इस बार देखिए इस बार जो हमने स्टूडेंट से बात किया जिन्होंने इस बार का एग्जाम दिया हुआ है, उन्होंने उनके बात करने से समझ गया कि देखिए पेपर तो आउट होता नहीं है तो हम ये तो बता नहीं सकते कि पेपर कैसा था क्या नहीं था, पर उनसे बात करने पर हमें ये लगा कि ये जो 210 नंबर है इसका एक रीजन है कि पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर से उसे रिलेटिवली इजी था। मैं बता रहा हूँ रिलेटिवली सब उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा आसान इस बार का पेपर था, और इस बार कंपटीशन भी ज्यादा था क्योंकि आपको पता है कि बीएचयू का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक बीएचयू का भी काउंसलिंग नहीं हुई है। साधारण सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा तो काउंसलिंग कैसे होगी। तो ये जो 210 नंबर है इसको आप मान के चलिए कि ये जो 210 नंबर के ऊपर जितनी भी सीटें हैं उनमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सीट अपनी ले ही लेंगे। आप बिल्कुल मान चलिए कि रफली मैक्सिमम लोग सीट ले लेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो पहली कट ऑफ है 210 नंबर के ऊपर इसको आप मान सकते हैं कि रफली 500 स्टूडेंट्स होंगे, जो 500 स्टूडेंट्स होंगे इसके ऊपर होंगे, मतलब 210 नंबर के ऊपर लगभग 500 बच्चे होंगे, लगभग 500 बच्चे होंगे, क्योंकि वो एक दिन में जो बीए कट ऑफ उसमें एक दिन में उतने ही बच्चों को बुलाते हैं जितने की वो काउंसलिंग करना, मतलब लगभग 500 बच्चों को बुलाते हैं, 500 बच्चों को वो बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए एक दिन में। उसके बाद दूसरी कट ऑफ जो वो 200 नंबर पे है, तो पहली कट ऑफ ऊपर है तो दूसरी कट ऑफ भी ऊपर ही रहेगी, वो भी ज्यादा ही रहेगी। तो दूसरी कट ऑफ 200 नंबर पे है तो इसमें भी मान लीजिए कि लगभग 500 नंबर जो लोग जो है वो 200 से 210 के बीच में हो सकते हैं, 200 से 210 के बीच में लगभग 500 बच्चे हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल डेटा वो रिलीज नहीं करते हैं कितने बच्चे हैं क्या हैं क्या रैंक है ऐसा कुछ नहीं बताते हैं वो। और उसके बाद है 194 के ऊपर भी लगभग 500 बच्चे होंगे। अभी एक न्यूज वहां से मिली है जो वहां के प्रॉक्टर, उन्होंने बताया है कि 194 के अबव 1500 से ज्यादा बच्चे हैं, 1500 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 1550 से 1540 ऐसे कुछ डेटा है। तो 194 के ऊपर मतलब 194 से जितने भी लोग हैं ऊपर वो 1500 से प्लस बच्चे हैं। तो आप ये मान के चले कि 1500 में से लगभग 1400 सीट्स जो हैं वो जो होगा वो ले लिया जाए कैंडिडेट, क्योंकि अभी सबसे बड़ा रीजन है कि इलाहाबाद है बनारस है, तो जो बी एच यू की कट ऑफ आई नहीं है, बी एच यू की रिजल्ट नहीं आया, बी एच यू की काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो ये जो है वो इतने सीट में से लगभग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 1400 लगभग सीट ले लेंगे लोग, 1400 सीट ले लेंगे। तो देखिए अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ मतलब क्या भी क्या और कट ऑफ आएगी, और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आती है, क्योंकि देखिए अभी ऑल कैटेगरीज है, अभी ये जो भी है वो ऑल कैटेगरीज है, अभी ओबीसी वाले कट ऑफ, एससी वाले कट ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंटली कट ऑफ नहीं है कि क्या कट ऑफ होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी और कट ऑफ आएगी, ये साधारण सी बात है, अभी और कट ऑफ आएगी। जो पिछले बार का डेटा है देखिए, जो पिछले बार का डेटा जो 2020 का डेटा है, 2020 में क्या हुआ था कि 2020 में जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 186 पे थी और जो लोएस्ट कट ऑफ थी 161 पे थी। मैं आपको जनरल का बता रहा हूँ, जो हाईएस्ट कट ऑफ थी 186 पे थी और जो लोएस्ट कट ऑफ थी 161 पे थी।
तो इसमें लगभग आई थिंक 4-5 कट ऑफ आए थे, 5-6 कट ऑफ आए थे इसमें, हाँ 5-6 कट ऑफ आए थे, तब जाके 161 पाया था। यहाँ तक जनरल कट ऑफ आता रहेगा, एक बार जब जनरल की सीटें भर जाएंगी, जब पूरी जनरल की सीट जब फिल हो जाएगी, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है, उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ आएगी, आपकी आपकी एससी कट ऑफ आएगी, और एसटी में तो सभी लोग खैर बुला लिया जाता है, और ईडब्ल्यूएस की, हाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आएगी, उसके बाद कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ आती है वो ऐसे आती है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो लोग इन तीनों दिन में जाएंगे, उनको जैसे आप जो भी सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे, जो भी सब्जेक्ट का आप ऑर्डर डालेंगे, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो होता है वो जो ऊपर के लोग मेरिट में थे उन्हीं को केवल ज्योग्राफी मिलता है। जैसे 210 के अबव है तो आप ये मान के चलिए कि जो 210 के अबव वालों को ही ज्योग्राफी मिलेगा, 200 के ऊपर वालों को भी चांस है कि ज्योग्राफी मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि 200 के ऊपर शायद मिलेगा, पर देखिए कुछ भी हो सकता है, अगर सीट खाली रही तो आपको मिल भी सकता है। तो 210 के ऊपर मिलने जो है आपको ये ज्योग्राफी, इसमें भी अगर देखिए बच्चे ज्यादा होंगे तो इसमें भी कंफर्म नहीं है कि 210 पे भी 210 पे मिल ही जाएगा या 212 पे मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए 210 के ऊपर तो है लेकिन वो कितना अभी जाए, अभी मतलब ऊपर के बच्चे ने कितना स्कोर किया, जैसे 260 वगैरह हाईएस्ट आए थे, तो उसके हिसाब से आपको ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी जो वो सबसे ये, और ज्योग्राफी जो है वो आपको बता दें कि जो कॉम्बिनेशन है वो पहले से बना होता है, जैसे जो तीन तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है वो पहले से ही बना होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, एक कॉम्बिनेशन है बीए में पॉलिटिकल साइंस का है, और इसके बाद ज्योग्राफी का है, और इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, एंशियंट हिस्ट्री का, ये जो है सबसे प्रीमियम जो कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो टॉप के बच्चे होते हैं इसी सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, ये तीनों बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं, और वहाँ आपको कॉम्बिनेशन ऐसे बना बनाया रहेगा, आपको जैसे जैसे कट ऑफ नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म होते जाएंगे, जो कॉम्बिनेशन बहुत हैं तो वैसे वैसे खत्म होते जाएंगे, और आपका किस कट ऑफ में था उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, एंशियंट, ये एग्जांपल के मतलब ये जो है सबसे प्रीमियम कट ऑफ है, सबसे पहले जो कट ऑफ, जो सबसे पहले जो खत्म होता है, जो कॉम्बिनेशन जिसको हम करते हैं वो यही है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री, ये सबसे पहले फुल हो जाता है। इसके बाद और पॉलिटिकल साइंस के साथ कुछ कॉम्बिनेशन था, जैसे एक है पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है, और एक आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी है। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, देखिए बीएससी और बीए ये दोनों में कोर्स पढ़ाया जाता है, मैं आपको एक छोटा सा बाकी मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, क्योंकि आपको ऐसा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, इसके वजह से कि हमारा काउंसलिंग रुक ना जाए कि क्या है। तो ये देखिए ये तीनों पढ़ाया था, तो ये भी सब्जेक्ट, तो ये सब जो है जो ज्योग्राफी के साथ, आप ये याद रखिए जो ज्योग्राफी के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो शुरुआती कट ऑफ में ही खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी के साथ जो भी कॉम्बिनेशन होगा शुरुआती कट ऑफ में खत्म हो जाएगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस में सीटें ज्यादा है तो पॉलिटिकल साइंस आपको थोड़ा सा कम कट ऑफ में भी मिल सकता है। तो ये हो गया बी ए की बात। और एक बात याद रखिए, जैसे 28 नवंबर है, इस पर लिखा है इनकी नोटिस में 28 नवंबर है, 210 नंबर से ऊपर वालों को बुलाया, 29 नवंबर है 200 से ऊपर नंबर वालों को बुलाया, 30 नवंबर है तो 30 नंबर पे 194 से ऊपर वालों को बोला 30 नंबर पे। तो जी जो डेट है आप उसी डेट पे जाइए, आप एक भी दिन लेट हो ऐसा नहीं, देखिए 194 के ऊपर का मतलब है कि हाँ 212 नंबर पे हो सकता है, 214 नंबर पे हो सकता है, तो हो जाएगा आपका एडमिशन उस दिन भी। लेकिन क्या है कि वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात फिर आ जाती है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शायद जो आपको चाह रहे हो, जो आपको चाहिए हो, तो शायद वो ना मिले आपको। हालांकि जो पहले तीन कट ऑफ है इसमें बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हालांकि सब्जेक्ट तो कोई खराब और अच्छा नहीं होता है, वो अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किसमें इंटरेस्ट है किसमें नहीं है। तो पहले तीन कट ऑफ में है ये आपको मिलेगा कट ऑफ। देखिए पिछली बार कट ऑफ से कट ऑफ ऊपर गई है, तो जनरल सी बात है जो लोएस्ट कट ऑफ होगी वो भी, जो लोएस्ट कट ऑफ होगी वो भी ऊपर जाएगी। अब कितना जाएगी क्या जाएगी ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं कितने नहीं लेते, वैसे मैक्सिमम एडमिशन लेंगे तो बहुत ज्यादा कम कट ऑफ नहीं जाएगी। हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि लोएस्ट कट ऑफ कितनी जाएगी क्योंकि उसका आइडिया नहीं है, पर आप ये मान के चले कि अभी कम से कम 3-4 कट ऑफ जनरल के लिए और आ सकती है, 3-4 कट ऑफ अभी
तीन चार कट ऑफ अभी और आ सकती है, बिल्कुल इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग जनरल में है आप अभी और वेट कर सकते हैं। और एक कट ऑफ कब आती है, देखिए 28 नवंबर का एडमिशन हो गया, 29 नवंबर का एडमिशन हो गया, 30 नवंबर का एडमिशन है, ठीक है। तो आपको कम से कम दो दिन पहले, देखिए शुरुआती कट ऑफ इसलिए लगभग 10 दिन पहले ही आ गई है, पर जो जैसे आपको 30 नंबर का एडमिशन उसके बाद सीधे आपको 1 तारीख होगा आई थिंक, अगर 30 का मंथ होगा तो 1 दिसंबर को आपका नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। तो ये आपको 2 दिन पहले आपको जो जिस दिन की काउंसलिंग होगी आपको 2 दिन पहले बता जाएगा। जैसे 1 दिसंबर को क्या होगा, क्या कट ऑफ होगा, वो आपको 29 को ही, 29 अगर उससे पहले भी आता है तो, क्योंकि 28 को काउंसलिंग है तो 28 को तो शायद ना आए, क्योंकि 29 को काउंसलिंग हो जाएगा तो उस जो 2 दिन काउंसलिंग होगी उसके हिसाब से रफली आइडिया मिल जाएगा कि अब कितने बच्चों को हम बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 1 दिसंबर को बेसिकली आप ये मान के चलिए कि 1 दिसंबर को जो है वो आपको चौथी कट ऑफ के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर उस दिन छुट्टी वगैरह का दिन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे डे तो लिखा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो आएगा आपको 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आप उनकी वेबसाइट हमेशा चेक करते रहें क्योंकि वो थोड़ा सा लेट अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, वो थोड़ा कि 2 दिन पहले अपलोड कर देंगे, तो आप उनकी वेबसाइट हमेशा चेक करते रहें। वो जो भी होगा वो आपको जो एयू प्रवेश वेबसाइट मैंने बताई है प्रवेश 2021, उस पर आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं, किस दिन है, क्या कट ऑफ है। तो ये जो नोटिस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यही है। और देखिए अब लिखा है कि एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। मेरिट मतलब जो जैसे आपकी मेरिट रहेगी उस हिसाब से एडमिशन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स मतलब जितनी सीट्स अवेलेबल रहेंगी उस हिसाब से होगा। मैंने आपको बता दी, मैं आपको डेटा पता है कि 1500 कुछ बच्चे हैं, 1500 प्लस हैं, 1500 पता नहीं शायद 1540 वाले से ऊपर हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। तो ये 1540 वाले से ऊपर बच्चे हैं, तो इतने बच्चों को इन 3 दिनों में बुलाया गया। टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स के बारे में बता दें कि टोटल 4500 सीट्स हैं। अभी 4500 सीट्स हैं, सीट्स बहुत ज्यादा हैं आपको लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट के, जैसे लगभग बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको 4500 सीट्स इसमें। और ये बीए आर्ट सोशल सब एक ही में, तो आपको पता ही होगा, तो एक ही में होता है इसलिए कॉम्बिनेशन काफी बढ़ भी जाते हैं। बाकी जो भी है जो म्यूजिक के कोर्सेज हैं, जैसे तबला हुआ, सितार हुआ, वो सब सब इसी में आता है। तो जो भी है तो मेरिट और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से होगा, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बीए का काउंसलिंग, इसके अलावा बीए में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं सिविल सर्विसेज का, क्योंकि जो प्रयागराज है वो हब है, कहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन के लिए एक हब है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम डाउट जो आपके हैं वो मेरे भी डाउट, सबको डाउट होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है वहाँ पेपर भी नहीं मिलता है, और वहाँ पेपर नहीं मिलता साधारण सी बात, पता नहीं चल पता है कैसा क्या होता है। पेपर तो आपने दे दिया तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई अगर आप किसी को बताना चाहें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है, अगर कोई ये जानना चाहता है, उसे अगर आपने दिया तो तब ही आप बता पाएंगे, आपने दिया है नहीं तो आप बता सकते हैं कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है। देखिए हर साल पेपर तो अलग ही अलग होता है, आपको पता ही है। तो जो बेसिक बातें वो यही है कि आपको जिस दिन आपको बुलाएगा आप उस दिन जाए। देखिए लेट मत जाए, लेट जाएंगे तो हो सकता है आपको जो आपका डिजायर कॉम्बिनेशन है वो आपको नहीं मिला। हालांकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं और सब अच्छे अच्छे हैं, सबके फैकल्टी भी अच्छे अच्छे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, तो आप इस बात से ना घबराएं कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं मिला, हमें वो सब्जेक्ट नहीं मिला। बस यही है बीए कट ऑफ में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरी कट ऑफ, बीएससी बायो कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखिए बीएससी बायो कट ऑफ जो है वो 187 पे आई है, सब अगेन प्रोसीजर सेम है। देखिए ये जो है 24-25 दो दिन की कट ऑफ बताई गई है, 24 को जो है वो आपकी 187 वाले से ऊपर वालों की है 24 को, 25 को जो है उसमें केवल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज हो गया है, कैटेगरी वाइज आ गया है एससी ओबीसी एसटी। देखिए बीएससी वाले का जो कट ऑफ था वो जो पहले था, जो पिछले साल आया था वो 172 था, 172 था बीएससी बायो का कट ऑफ। जी हाँ, 172 था बीएससी बायो का कट ऑफ जो पिछले साल आया था, 172 था, इस बार जो आया है वो 187 पे आ गया, मतलब इसमें भी कट ऑफ लगभग 15 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। तो मतलब अगेन कट ऑफ बढ़ने के रीजंस काफ़ी सारे हैं, और हो सकता है पेपर इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलेटिवली ईजी आ गया होगा बीएससी बायो का, और बीएससी में थोड़ा इतना बहुत होता चलता रहता है। तो अब इसकी कट ऑफ है कि अगर कोई और कट ऑफ आएगी कि नहीं, तो देखिए चांसेस कम है कि कोई और कट ऑफ आए, क्योंकि कैटेगरी कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है।
एक बात और आती है, कैटेगरी कट ऑफ आने के बाद भी जनरल की कट ऑफ आती है। ऐसा नहीं कि कैटेगरी कट ऑफ आ गए तो फिर जनरल कट ऑफ नहीं आ गए, कैटेगरी कट ऑफ आने के बाद भी जनरल कट ऑफ आती रहती है। तो जनरल की जो कट ऑफ आई है वो भी जैसे कोई लिस्ट आ गई कि इस दिन 24-25 को ये हो गया, उसके बाद अगले दिन क्या हो गया, तो वो कैटेगरी कट ऑफ तो है, उसके साथ साथ वो जनरल की कट ऑफ आती रहती है। पर देखिए इस बीएससी वगैरह में सीट्स उतनी है नहीं, जैसे बीए वगैरह बात करते हैं काफी सीट्स है तो उसमें कट ऑफ काफी राउंड तक आती रहती है। जैसे राउंड वन ये समझ लीजिए, राउंड टू ये समझ, तो राउंड टू में जब वो जनरल करनी है, ये राउंड वन हो गया, ये राउंड टू हो गया, तो राउंड वन में जो है वो तो जनरल की आ गई है, पर राउंड टू में जनरल की नहीं आई है। तो नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि हो सकता है इतने के ऊपर जितने बच्चे उनको चाहिए हो वो इतने के ऊपर है, क्योंकि देखिए साधारण सी बात है कि कुछ बच्चे नहीं भी एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे काउंसलिंग के कारण नहीं जाएंगे, हो सकता है उन्होंने एग्जाम दे दिया हो और वो कहीं, या फिर हो सकता है किसी ने कहीं और एडमिशन ले लिया हो, तो हो सकता है कुछ और नहीं है, तो एक आध कट ऑफ तो आएगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक आध कट ऑफ और आ सकती है, आने के पूरे चांसेस है, लेकिन हाँ कट ऑफ आएगी एक आध कट ऑफ, लेकिन बहुत अंतर नहीं होगा मार्क्स में, जैसे 187 पे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत अंतर होगा, तो एक आध कट ऑफ और बीएससी बायो आएगी। बाकी आपने सारे पोजीशन वही है, 24 को आपको जाना है, जैसे कैसे जाना है, क्या करना है वहां पे, क्या लेके जाना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बीएससी बायो कट ऑफ मेरे थे, आप जो जनरल के वो जिनका 187 से कम मार्क्स है, अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं तो मैं आपको वहाँ के आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तो भी और कट ऑफ कम आएगा, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे काउंसलिंग के दिन, तो एक आध कट ऑफ और आ सकती है। इसके बाद हम लोग अगले कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बीकॉम की कट ऑफ है, देखिए बीकॉम की कट ऑफ है, बीकॉम के बारे में आपको एक जनरल से बता दूं कि यहाँ बहुत नेक टू नेक कंपटीशन रहता है बीकॉम में, क्योंकि देखिए इस बार 172 पे कट ऑफ है, जो पहली कट ऑफ है 25 तारीख को आपका एडमिशन होना है, 25 तारीख को आपका एडमिशन होना है, ये आपकी कट ऑफ आ गई है। 26 तारीख को भी है 169 तक गई है, और इसके बाद सीधे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आ गई है, इसके बाद जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आ गई है 27 को और 28 को, जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आई है। बीकॉम का कट ऑफ देखिए, बीकॉम का कट ऑफ जो है वो 172 आया है, जो कि हर साल बीकॉम का कट ऑफ जो होता है वो हाई होता है। पिछले बार का जो कट ऑफ था बीकॉम का, जो 2020 का कट ऑफ था वो था 192 था, और 189 तक गया था, दो तीन राउंड में गया था, तो 189 तक लोएस्ट कट ऑफ गई थी। और जो 2021 का कट ऑफ है ये आपके सामने है, कितना है 172, और ये अब तक कितना जा चुका है 169, ऑल कैटेगरी में 169 तक जा चुका है। देखिए तीन नंबर का अंतर है, यहाँ भी तीन नंबर का अंतर है, यहाँ भी तीन नंबर का अंतर है, तो उन्होंने दो दिन ही कट ऑफ निकाल दिया है। तो इस बार कम है, इस बार कट ऑफ कम है, क्योंकि पेपर जो था इस बात का वो थोड़ा रिलेटिवली टफ था, इसीलिए कट ऑफ कम है, बस कट ऑफ कम होने का रीजन ये है इस बार कट ऑफ। अब इसमें कोई जनरल की आई कि नहीं कट ऑफ, मुझे कम उम्मीद है कि इसमें कोई जनरल एक आधा आ सकती है, अगर आएगी भी तो बहुत कम नंबर नहीं आ जाएगी, जैसे 169 है तो हो सकता है 168 पे आ जाए, या 169 पे ही आ जाए, 168 पे आ जाए, 169 पे ही आ जाए, तो बहुत अंतर नहीं आएगा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि बहुत अंतर नहीं आएगा, बाकी अगर बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो फिर बात अलग है, लेकिन जो जनरल चीज़ है वो इतना ही है कि 169 तक है, तो 169 पे ही आपकी कट ऑफ जो है वो रहनी चाहिए, एक आध नंबर का अंतर आ सकता है। अगेन 25 को जिनका 172 से ऊपर हो जाएंगे, एसटी कैटेगरी में जिन्होंने 78 या ऊपर मार्क्स लाए हो जाएंगे, 26 तारीख को कौन हो जाएंगे, 26 तारीख को जिन्होंने 169 के ऊपर लाया है वो जाएंगे, एससी कैटेगरी में जिन्होंने 131 लाया है, एसटी कैटेगरी में जिन्होंने 68 लाया है, और ओबीसी कैटेगरी जी हाँ तो 27 को जो है, तो आप देखिए जो है ओबीसी कैटेगरी में जिन्होंने जिनका 160 से ऊपर आया है, एससी कैटेगरी में जिनका 128 या उससे ऊपर है, 160 या उससे ऊपर, 28 या उससे ऊपर, और 68 या उससे ऊपर जिनका है वो एसटी कैटेगरी में जाएंगे। EWS कैटेगरी की बात है तो EWS कैटेगरी में देखिए 28 को EWS कैटेगरी कट ऑफ आ गया, मतलब ये EWS कैटेगरी की पहली कट ऑफ है, आप देख सकते हैं, तो इसमें जिन्होंने 158 या उससे अधिक पाया, 157 या उससे अधिक ओबीसी में, 126 या उससे अधिक एससी में, और 68 या उससे अधिक जो है वो एसटी में है, तो इतनी कट ऑफ बीकॉम के लिए आए हैं। तो देखिए
कट ऑफ जो है वो बीकॉम के आ चुके हैं। बीकॉम में मैं आपको बता दूं कि बहुत राउंड तक काउंसलिंग नहीं होती, जो सबसे कम राउंड में काउंसलिंग होती है वो बीकॉम कोर्स ही है, जो सबसे कम राउंड में काउंसलिंग होती है बीकॉम कोर्स है। और अगर इसमें राउंड बढ़े भी, इसमें राउंड यदि अगर कहीं बढ़ा भी, तो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स में वेरियंस नहीं आता, मतलब बहुत अंतर नहीं होता है कि 172 से बीए कट ऑफ हम क्या देखते हैं जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट कट ऑफ है उसमें लगभग 25-30 मार्क का अंतर होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बहुत अंतर रहेगा जो हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ में, तो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर इतना ही रहेगा, इससे अधिक नहीं, 7 नंबर तक भी रहेगा, 5 नंबर तक आप समझ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो 5 नंबर तक। बाकी देखिए थोड़ी सी प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो बाकी उससे कट ऑफ वेरी करती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे हाँ बीएससी मैथ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बीएससी मैथ की कट ऑफ भी आ चुकी है 26 तारीख को, बीएससी मैथ की काउंसलिंग है। बीएससी मैथ की कट ऑफ जो है वो है कि ऑल कैटेगरी में जिन्होंने 184 या उससे मार्क्स लाए, 27 को जो है वो उन्होंने ऑल कैटेगरी में जो 174 या ऊपर लाया है, ठीक है। तो ये 2 दिन की काउंसलिंग है, और इसमें बता दें 2020 में क्या था और 2021 में क्या है। देखिए 2020 में जो था बीएससी मैथ में वो 182 एंड अबव पे था और 184 एंड अबव पे तो अभी है, 184 एंड अबव पे अभी है। इसके अलावा जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो 174 एंड अबव पे गई थी, अब इसमें लोएस्ट कट ऑफ जो आएगी वो आएगी, लेकिन इतने पे गई थी। देखिए तो 2020 में जो कट ऑफ थी वो थी 182 पे, 2021 में कट ऑफ आपके सामने ये क्या है 184 पे है, 2021 में जो कट ऑफ है वो क्या है 184 पे है, तो 184 पे है। देखिए पिछले बार कट ऑफ और इस बार कट ऑफ में अगर बीएससी मैथ की बात करें तो बहुत ज्यादा वेरियंस नहीं है, केवल 2 नंबर का अंतर है, वो 2 नंबर बढ़ गए हैं, बढ़ गए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर तो उतना नहीं मानते हम लोग कि 2 नंबर ऐसा कुछ होता है, पर 2 नंबर का अंतर है। इसमें जो 182 एंड प्लस था वो 184 एंड प्लस हो गया, तो इसमें भी जो कट ऑफ है देखिए 174 तक बुला लिया इन्होंने, 184 के बाद 174 तक आ गया है। पहले क्या होता था कि पहले थोड़े थोड़े कई कट ऑफ आते थे, जैसे 10 नंबर के सीधे जो फर्स्ट राउंड है और जो सेकेंड राउंड में सीधे 10 नंबर का अंतर आ गया। पहले क्या होता है मान लीजिए 184 है तो उसके बाद 183 आया, 182 आया, ऐसे 2 नंबर 4 नंबर ऐसे, पर इन्होंने 2 ही कट ऑफ निकाल दिया कि सिर्फ 184 है और अच्छा दूसरी कट ऑफ भी आ चुकी है 174 है, तो ये सेकेंड कट ऑफ है 174। ये पिछली बार 174 जी थी वो लास्ट कट ऑफ थी पिछले बार, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखिए एक बार जनरल कट सारे क्वेश्चन में एक बार जनरल कट ऑफ जब आ जाएगा उसके बाद ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है, तो 174 था। तो इसमें देखिए चूंकि ये तो है तो अभी दूसरा ही कट ऑफ अभी है, ये दूसरा 174 जो है वो सेकंड ही कट ऑफ है, पर जो वेरिएंस हम कह सकते हैं वो ज्यादा 10 नंबर का वेरिएंस है, तो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि और कट ऑफ आएंगे कि नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि एक आध कट ऑफ और आनी चाहिए, अभी एक आध कट ऑफ और आनी चाहिए, और जनरल सी बात है कुछ बच्चे शायद ना जाए, कुछ बच्चे ना काउंसलिंग ना करें, तो एक आध कट ऑफ अभी और आ सकती है। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें कि कट ऑफ कितनी होगी, कितनी जाएगी जो भी है, और कितने राउंड तक आएगी। देखिए सबसे कम राउंड में जो होती है वो बीकॉम कोर्स में जाती है जो, और उसमें अंतर ही बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा होते हैं बीए में आती है, क्योंकि जनरल सी बात है जिसमें सीट अधिक रहेगी उसमें ही कट ऑफ ज्यादा आने के चांस है, जिसमें सीट कम रहेगी उसमें तो कट ऑफ जनरल सी बात है कम आएगी। तो बीएससी मैथ का हमने बता दिया आपको, बीएससी मैथ का बता दिया, इसके अलावा बीएससी बीकॉम का बता दिया, बीएससी बायो का बता दिया, बीए का बता दिया, और काउंसलिंग कैसे कैसे क्या कराना है, क्या प्रोसीजर्स हैं काउंसलिंग के, ये सब भी आप हमने आपको बता दिया। आपको देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना उतनी आसान बात है नहीं, कि ऐसा अगर कोई आपको बता दे कि क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो एक थोड़ा सा इजी हो जा सकता है कि सीधे आपको हम बता देंगे, आप सीधे जाएंगे, आप सीधे अपना काउंसलिंग करा के चले आएंगे। उसके बाद देखिए कट ऑफ के जो डाउट है वो मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कितना और आ सकता है कितना और नहीं आ सकता। तो आप ये मत पूछे कि मेरा इतना नंबर तो इतना कट ऑफ आया कि इसमें मेरा हो पाएगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। देखिए कट ऑफ है वो इस बार एक आध कोर्स छोड़े थे, बाकी सारे कोर्स में कट ऑफ वेरी किया और अच्छा खासा वेरियंस हुआ है। तो अच्छा खासा वेरियंस हुआ है तो जनरल सी बात है कि लास्ट ईयर से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और इस बार एक बात और है कि इस बार जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वो ले ली जाएंगी, मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वो ले ली जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ जो यूनिवर्सिटी जैसे BHU हुआ तो अभी इन लोगों का काउंसलिंग जो वो अभी बाकी है, रिजल्ट भी नहीं है, अभी काउंसलिंग बाकी है। तो जनरल सी बात है कि जो देखिए बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि हम यहाँ एडमिशन लेके सेफ हो जाते हैं, पहले सब लोग सोचते हैं कि हम सेफ हो जाते हैं, हमारा साल बर्बाद ना हो, क्या पता यहाँ भी नहीं हुआ वहाँ भी नहीं हुआ। जैसे जो लोग बॉर्डर पर होते हैं, जो लोग बाउंड्री पर होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है यहाँ चांसेस हैं पर हम वहाँ भी जो एडमिशन वहाँ लेके एक तरह से हम सेफ हो जाते हैं, क्योंकि फीस देखें तो बहुत ज़्यादा होती नहीं यूनिवर्सिटी से, आपको पता ही। तो एक सेफ जोन होने के लिए एडमिशन ले लेते हैं। तो इस बार एडमिशन बहुत ज़्यादा सीटों की ले ली जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप भी जो आप रिपोर्टिंग टाइम पे जाइए, जो आपका समय है उस समय पे जाइए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मैंने बताया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से थोड़ा सा आगे जाने पे है ये, तो वैसे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपकी, ये जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और आप बाकी काउंसलिंग है, बाकी आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद उसके अलावा मैंने जो भी बताया कि बाकी क्या क्या है, जैसे कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि हॉस्टल को लेकर हॉस्टल की कट ऑफ क्या है, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या सिविल सर्विसेज के लिए क्या है, गर्ल्स का एटमोसफियर क्या है वहाँ पे, बाकी मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं सबको अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि काउंसलिंग का वीडियो सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि यही आपको एडमिशन वहाँ पे चलेगा, इसलिए मैं इस मैंने वीडियो में केवल काउंसलिंग के बारे में बताया, बाकी मैं आपको अलग से वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। इसके अलावा हम एक लाइव सेशन में मैं आपके साथ जुड़ूंगा, भैया के साथ मैं आपको एक लाइव सेशन में भी जुड़ूंगा, वहाँ भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ भी लिख सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अगर डाउट लिखे रहेंगे तो मुझे आसानी रहेगी जानने में कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके। ठीक है, तो थैंक यू उस वीडियो के लिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो भी आपके बाकी जो क्यूरीज हैं उसके साथ, काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू।